सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, हम दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा होगा, तो गाइस आप लोगों को तो पता होगा कि यार बैनी की मेरे पास कॉल आई थी। और गाइस, मैं अपने शोरूम के अंदर गया था और गाइस बैनी ये बोला था कि लॉस सैंटोस में काफी जो तगड़ी रेस होने वाली है और गाइस उस रेस का विनिंग प्राइस है $50 मिलियन। और गाइस मैंने उस रेस में पार्टिसिपेट करके और गाइस वो जो रेस है वो जीत ली थी। तो गाइस जीतने के बाद जैसे यार मैं घर पे आ रहा था, लेकिन उसके बाद ही ना एक गैंग ने मेरे पर ऊपर अटैक किया था। और गाइस वो जो गैंग है वो यार मैंने उसका एक बंदा पकड़ा और गाइस उससे पूछा कि यार कौन सी गैंग है और क्यों अटैक कर रही है। तो गाइस वो बंदा बोला कि यार रेस में ही एक बंदा था जो कि यार रेस को जीतना चाहता था, लेकिन यार वो जीत नहीं पाया। तो गाइस इसलिए उसने हम पे अटैक करवाया ताकि वो $50 मिलियन मतलब ले सके हमसे। और गाइस अब फिर यार उसके बाद यार मैंने उसको किल कर दिया। और गाइस उसके बाद तब भी यार वो जो गैंग थी मतलब वो पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन यार जैसे तैसे मैं अपने सीक्रेट बेस पे चला गया था और गाइस मैंने लैसे से कहा कि यार सारा का सारा जितने भी बायोडाटा है इस बंदे का सारा निकाल के दे दें। और गाइस फिर उसके बाद आगे मैं घर में, और गाइस लैसर जो है वो कह रहा था कुछ देर में निकाल के दे देगा। तो गाइस अब यार एक दिन हो चुका है और गाइस अभी जा रहा हूँ मैं सीधा लैसर के पास। लैसर के पास क्या जाना, पहले तो यार एक बार ना मैं, तो गाइस पहले तो ना मैं लैसर के पास कॉल करता हूँ और गाइस कॉल करने के बाद पूछूंगा कि यार क्या सीन है, डाटा निकाला नहीं निकाला। बाकी तो यार लैसर ने जो है ना डाटा निकाल लिया होगा, इतना टाइम तो नहीं लगाएगा। और गाइस लैसर तो आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा तगड़ा मास्टर माइंड है। और गाइस आप लोगों को पता होगा कि सीजे भी आया हुआ है और गाइस अब हम सीजे की हेल्प लेंगे। और गाइस जो गैंग है ना जिसने अटैक करवाया भाई साहब, इसका मुंह तोड़ जाएंगे, मतलब बेफालतू की बदमाश बननी है भाई, यार हद ही हो गई। और गाइस आप लोग ये देख पा रहे हो अपनी जो हैपूस है वो हमने लास्ट वाले एपिसोड में ली थी। और गाइस ये वाली जो गाड़ी आप लोग देख पा रहे हो भाई यार कितनी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। और गाइस इसको ना बैनी ने मोड कितना ज़्यादा तगड़ा बना दिया है, मतलब सही में इसका तो नजर ही नहीं हट रही। ओके, तो जल्दी से मैं इस गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और गाइस सीधा मैं निकलता हूँ लैसर के पास। एक मिनट लैसर के पास क्यों जाना, पहले तो मैं एक बार लैसर के पास कॉल करता हूँ और पूछता हूँ कहाँ पर है। तो गाइस यहाँ पर मेरी लैसर बात हो चुकी है। लैसर ये बोल रहा कि अभी ना वो अपने सीक्रेट बेस पर नहीं है, अभी वो यार अपने मतलब फैक्ट्री में है। तो गाइस अभी जल्दी से मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और बिल्कुल निकलता हूँ भाई। ओ भाई आराम से भाई गाड़ी कितनी ज़्यादा खतरनाक बना दी बहन ने, मतलब उड़ना चाह रही तरीके से। ओके तो भाई सही में इसके अंदर गाड़ी सही में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। और गाइस आप मुझे बताना गाड़ी कैसी लग रही है। और गाइस गाड़ी के लिए एक लाइक तो बनता है। और भाई वेदर कितना हो रखा है, मतलब ओस पड़ रखी है, सर्दियां तो आ रही है मुझे पता है, लेकिन यार ओस भी पड़ रहे हैं ऊपर से। पीछे लाइट कैसे जल रही है यार, पता नहीं किस हिसाब की लाइट लगा रखी है इसमें, पता नहीं बैन ने कैसे मॉडिफिकेशन करा है, लेकिन जैसे भी करा ना बहुत ही तगड़ी गाड़ी बना दी है। तो भाई अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार मेक श्योर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 500 लाइक के लिए, तो भाई यार पूरा करा देना। और यार अभी मैं जा रहा हूँ सीधा लैसर की फैक्ट्री में और वहीं जाकर देखते हैं क्या सीन होता है। जैसा कि आप लोग सामने तरह देख पा रहे हो, मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगा जा रहा हूँ सीधा अभी लैसर की फैक्ट्री में। अरे भाई सभी तेरी ऐसी की तैसी, मतलब भाई अंधों की तरह गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल भाई बिल्कुल शीशा वीशा सब तोड़ दिया, मतलब भाई पता नहीं क्या सीन है। अच्छा वाला मैं गाड़ी चला रहा था, लेकिन नहीं यार इनको ना कुछ चुलपंती करनी होती है। अब बेटा साइड हो जाए, नहीं तो भाई बाल तो मैं बीच में आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। गाइस मैं अपनी गाड़ी को ना अंदर की तरफ यहाँ पर लगाता हूँ, क्योंकि तो जो यहाँ के लोग हैं ना भाई बिल्कुल अजीब हैं, कुछ पता नहीं चलता क्या क्या कब कब कर देते हैं उनको। तो मैंने तो गन हाथ में पकड़ रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जल्द से मैं ऊपर की तरफ निकलता हूँ और लैसर से पूछना पड़ेगा कि क्या सीन है उसकी गैंग की। अगर लोकेशन निकाली है तो जल्द से बता दें। और वैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे लैसर के चेले चपाटे। ओ भाई आज छुट्टी पे आए क्या, नहीं तो भाई हमेशा यहाँ पर बैठ रहते हैं। वैसे तो मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर लैसर का टाइम, जल्दी से मैं यहाँ पर लैसर से बात करता हूँ। अगर यहाँ पर मेरी लैसर से बात हो चुकी है, लैसर ये बोला कि जो गैंग के बॉस ने तुम पर अटैक किया ना वो मतलब यहाँ का नहीं है। और गाइस लैसर ये बोला कि वो काफी ज्यादा एक खतरनाक बंदा है। तो गाइस जिस गैंग के बॉस ने हम पर अटैक किया था वो एक तरीके से सिल्वर डोरन गैंग जो थी उससे मिला हुआ है। तो यार और जो लैसर बोला कि तुम यार सिल्वर डोरन गैंग के पास जाओ और वहां पर जाकर पूछ लो। तो यार अभी जल्दी से मैं आगे निकलता हूँ। और गाइस लैसर ने तो यार ये बोल दिया, अभी जल्दी से मैं यहाँ से पहले तो नीचे की तरफ निकलता हूँ। और गाइस लैसर ये बोला कि तुम यार ट्रेवर को अपने साथ लेके जाना, यार ट्रेवर अपने यहाँ पर काम आने वाला है। ओके तो गाड़ी अपने सामने खड़ी है, तो गाड़ी को लेके चलते हैं। एक बार ना मैं ड्राइवर को पहले कॉल कर देता हूँ, यहाँ पर मेरे ड्राइवर से बात हो चुकी है। ड्राइवर ये बोल रहा है कि मैं पास में ही हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी जल्द से पहले तो गाड़ी के अंदर बैठते हैं और सीधा निकलता हूँ मैं सिल्वर डोरन गैंग के बेस में और वहीं जाके उनसे पूछेंगे। तो कैसे उनके जो बंदे ना सिल्वर डोरन गैंग के बंदे वो उस बॉस को मिले हुए हैं, अब पूछ लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओ भाई साहब कितना ज़्यादा तगड़ा स्क्रैचेस आ रखा है, अभी वो तो रिपेयर हो जाएगी। तो अपनी गाड़ी को मैं जल्द से यहाँ से भगाता हूँ और देखते हैं यार जो ट्रैवर है वो किधर की तरफ खड़ा है। बाकी तो ट्रैवर बोला था कि मैं पास मिल जाऊंगा। और गाइस मैं फुटपाथ में गाड़ी क्यों चला रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, पैसा बहुत है, भगाओ अपनी गाड़ी वो रिपेयर हो जाएगी। यार मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगा जा रहा हूँ सीधा अभी जहाँ पर ट्रैवर बुला रहा। ओ क्यों ओ भाई साहब
ट्रेवर का क्या सीन है यार, कहीं पर भी पीने लगता है। और उसे आप लोग देख पा रहे हो, मतलब भाई कहाँ पर, बीच रोड में, मतलब बीच रोड पे तो नहीं लेकिन भाई का कहाँ, मतलब यार कहीं पर भी कुछ ही पीने लग जाता है। मतलब जैसे आप लोग देख पा रहे हो, मतलब बियर पी रहा है यहाँ पर बैठा हुआ, और ये मैडम जी फोटो खींच रही होगी तो मुझे लग रहा है गाड़ी की फोटो खींच रही होंगी। अभी पिट थी भाई ये, मुझे लगा ड्राइवर की बियर पीते हुए फोटो खींच रही है। तो कहते यहाँ पर मैं जल्दी से ड्राइवर को अपने साथ लेके चलता हूँ। ओके वैसे यहाँ पर ड्राइवर भी रेडी हो चुका है, अभी ड्राइवर जल्दी से आके बैठ जाओ। बाकी तो अपनी गाड़ी कितनी ज़्यादा तगड़ी लग रही है। ओके तो यहाँ पर तो मुझे लगा लॉस एंड में एक गाड़ी है। और गाइस आप लोग देख पा रहे, मतलब फ्रंट का पूरा शीशा मतलब टूट चुका है। भाई यार कैसे लोग हैं यहाँ पर, अंधाधुंध चलाते हैं भाई, अंधाधुंध काटते हैं, कहीं पर भी काट लेते हैं। इंडिकेटर का तो नाम मुझे लग रहा है इनका सुनाना भी नहीं होगा कभी। बाकी तो कभी कभी तो रेड लाइट फॉलो करते हैं, लेकिन कभी कभी इनको पता नहीं क्या मतलब नशे हो जाते हैं अपने आप ही। ओके ओके तो यहाँ पर मैं जल्दी से पहले भागा था, जो मेरे को लेसन लोकेशन बताई है तो सर उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। और देखा क्या सुना था, बाकी तो जिस गैंग ने अटैक किया ना भाई यार, वो बचने नहीं वाली। मतलब उन्होंने सोचा भी कैसे यार कि मैं $50 मिलियन जो पैसे जीते थे मैंने रेस में उनको दे दूंगा, भाई साहब एक रुपया नहीं मिलेगा। और बाकी तो उनसे लेके हो रहा हूँ $500 मिलियन। बाकी तो अभी चल के देख लेते हैं। वैसे मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते पहुँचने वाला हूँ सीधा उसी बेस पे, मतलब उसी अड्डे पे जहाँ पर मेरे को लेसर ने बताया। और कहते मेरे को ना लेसर यही वाली लोकेशन बता रहा था, पता नहीं यार यहाँ पर कैसे अजीब सी जगह है। तो बाकी तो यार एक बंदे से पूछ लेता हूँ कि यार वो जो बंदा है वो कहाँ पर मिलेगा। और तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई साहब, गैंग वैंग तो ऐसे बना के बैठे हैं इनकी भैंस की टांग। रुको रुको एक मिनट है ना, गाड़ी को यहाँ साइड में पार्क करता हूँ, गाड़ी में कुछ नहीं होनी चाहिए। गाड़ी को उन्होंने छुआ भी ना तो मैं इनका मुंह तोड़ दूंगा। तो पहले तो जल्दी से ड्राइवर जल्दी से उतर जा, अभी यहाँ पर मैं आगे की तरफ चलता हूँ। और गाइस एक बंदे से बस हम पूछना है, प्यार से पूछेंगे, अगर बता दे तो सही है, नहीं तो यार और भी हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं पूछने के। ड्राइवर आ रहा है ना, ड्राइवर भी अपना आ रहा है। ओके तो सामने की तरफ मेरे को बंदे दिख रहे हैं तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि यार वो कौन सा बंदा है जिस जो कि यार लास्ट रेस में था और कैसे जिसने हम पर अटैक करवाया। तो कैसे ये जो बंदे ना, ये सारे सारे जितने बंदे हैं एक तरीके से मिले हुए हैं, तो बेटा जी आराम से बता दो। और भाई साहब कितनी बड़ी बोतल में बियर पी रहा है भाई, मर भर जाएगा। वैसे यार दिन भर चुके हैं, इसकी उम्र हो चुकी है ओवर के भाई, लेकिन सही में। तो कैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई साहब कैसे अजीब अजीब से बंदे हैं। भाई साहब आराम से पूछ रहा हूँ तो यार आराम से बता दो। तो भाई यार लास्ट रेस में, ओ भाई तेरी ऐसी की तैसी ट्रैवर भरी हो इसमें। भाई मैंने तो पूछा था तुम्हारी भैंस की टांग, भाई आराम से पूछ रहा हूँ, ऊपर से चौड़े और हो रहे हैं। रुको रुको तेरी ऐसी की तैसी, उठने की जरूरत मत कर दियो। ओके तो ट्रैवर ने यहाँ पर भर दिया क्या, ट्रैवर ने भर दिया आराम से। ट्रैवर सामने की तरफ से ना और बंदे आ चुके हैं, बेटा रुको तुम्हारी ऐसी की तैसी, भाई आराम से पूछ रहा हूँ मैं। लेकिन नहीं, इनको ना मतलब चुल मच रही है, चुल चढ़ रही है, बेटा तुम्हारी सारी यार चुल निकाल दूँ मैं, बेटा निकलो यहाँ से। ओके ओके तो गाइस यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे बंदे तो निपटा दिए, लेकिन अभी है ना एक दो बंदे को और मतलब कीड़ा उछल रहा है। ओके तो बेटा शकल दिखा, एक बंदे रहा। तो गाइस एक बंदे से ना हमको पूछना है कि यार वो जो बंदा है वो किधर किधर, एक बंदे रहा, इसको मारना नहीं है, इसको मारना नहीं है। तेरी भैंस की टंग, रुक रुक तेरी ऐसी, अबे मैंने क्या निकाल लिया भाई, ये क्यों मरना चाह रहा है भाई हाथों से। तो अबे रुक जा भाई साहब तेरी भैंस की टंग। तो अबे भाई ट्रैवल गोली नहीं मारनी थी यार इसको, तो जिंदा भाई जिंदा है। तो बस जल्दी से मैं इससे पूछता हूँ, जैसे कि आप लोग सामने तरह देख पा रहे हो फाइनली यार इसने मेरे को सब कुछ बता दिया कि यार वो जो बोस था वो कहाँ पर रहता है। और कैसे वो जो बोस है वो एक तरीके से रेसिंग बाइक का काफ़ी ज़्यादा शौकीन, और कैसे गाड़ियों का भी शौकीन है। तो कैसे इसने हमारा आसान काम आज जो है वो आसान कर दिया। तेरी भैंस की टंग, टोपी लगा के तो ऐसा बैठा है बेटा जी। तो कैसे ये बंदा तो गया। ओके तो ट्रैवर अब जल्दी से आ जा। ओ भाई साहब अबे इनकी भैंस की, ये और बंदे कहाँ से आ रहे हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, बेटा जी कहाँ से और हो। तो कैसे ये जो बंदे ना ये मिले हुए हैं सारे सारे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ट्रैवर बजाने स्टार्ट कर दे, ट्रैवर ही मजे से बजा रहा है। ओके बेटा तेरी भैंस की टांग। ओके भाई इसको तो काफ़ी ज़्यादा गंदा मैंने सर मारा है, एक बंदे यहाँ से भगता हुआ आ रहा है। बेटा तेरी भैंस की टांग, निकल यहाँ से। तो कैसे ये बंदा भी गया, और भी मेरे को बंदे दिख रहे हैं बेटा किधर की तरफ, वो शकल दिखा दो आज, आज इनकी शकल पे है ना भाई। ओके पीछे से भगते हुए आ रहे हैं, बेटा जब मैं पीछे ही आ रहा हूँ तो तेरी महस का बेटा रिलोड करता रह जाएगा, मैं इतने मार के निकल जाऊँगा। तो कैसे ये बंदे भी गए, और ट्रैवर को अभी जल्दी से मैं लेता हूँ, और कैसे जो इनका बॉस है ना वहाँ पर चलते हैं। तो सर अभी ना मैं जल्दी से अपनी गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और सीधे निकलते हैं, जो इसने बंदे ने लोकेशन बताई है ना वहाँ पर निकलना पड़ेगा। अब यार ट्रैवर किधर रह गया। ओके तो गए सर गाड़ी अभी लॉक है, मे भी यहाँ पर अनलॉक करते हैं जल्दी से, और यहाँ पर मैं जल्दी से बैठता हूँ। और ट्रैवर, ओके गाइस तो ट्रैवर भी आ चुका है यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रैवर भाई जल्दी आकर बैठ जा। और उसके ट्रैवर ने तो भाई साहब भरने स्टार्ट कर देते हैं, ट्रैवर नहीं देखता भाई, ट्रैवर एक बार मत्थे चढ़ जाता है ना। तो कैसे ये जो बंदा बोल रहा है यहाँ पर जाने के लिए, वहाँ पर निकलते हैं। और भाई साहब इतना ज़्यादा फोक कैसे हो गया यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा ठंड सी पड़ने लगी है ना यहाँ पर। मतलब आप लोग देख पा, थोड़ा सा ना नमी आ रखी है, मतलब ओस सी पड़ रखी है। तो अभी जल्द से अपनी गाड़ी वहाँ से भगाता हूँ। और कैसे ये जो बंदा बता रहा है ना जिस हिसाब से कि यार वो जो गैंग है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तो कैसे उस बंदे ने ना मतलब यार इतनी सारी मतलब अटैक, इतना सारा हम पे ज़्यादा अटैक करवाया था, मतलब सारी सारी एक तरीके से गैंग मिल के आ गई थी। अब यार ये तो समझ नहीं आ रहा था कि यार वो जो बंदा क्या चाहता है।
तो यार इतना ज़्यादा पैसे वाला है तो हमको मारने क्यों जाता है, हम पे अटैक क्यों करवाया है। तो अभी जल्दी से मैं चल के देख लेता हूँ। बाकी तो भाई $50 मिलियन जो है वो कम नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम होती है। पर मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते जा रहा हूँ सीधा अभी उसी लोकेशन में जो मेरे को उस बंदे ने बताई है। अब यहाँ से ना अपने को लेफ्ट लेना है, ओके। तो कोई मैं कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा है आगे की तरफ आ चुका हूँ, तो मेरे को ना यहाँ से राइट की तरफ लेना है। और उधर आप लोग देख पा रहे हो भाई साहब इसने कहाँ पर बेस बनाया, एक बार चेक लेते हैं कौन सा इतना बड़ा बॉस आ गया जो मतलब हम पे अटैक करवा रहा है। ओके तो गाइस मैं बस पहुँच चुका हूँ। तो बाकी तो कैसी सी जगह है भाई, कितनी ज़्यादा अजीब जगह है, और यहाँ पर ही इसने बना के रखा है। ओ भाई साहब कितना ज़्यादा खतरनाक बना रखा है। तो गाइस अभी जल्दी से ना मैं अंदर की तरफ निकलता हूँ, देखते क्या सीन है। बाकी तो भाई साहब इसने बना के रखा है। ओ भाई इन्होंने तो डायरेक्ट गोली चलाना स्टार्ट कर दिया, तुम्हारी भैंस की टंग। भाई साहब तेरी ऐसी कैसी, बेटा तू भी निकल यहाँ से, और बेटा तू भी निकल। भाई यार ये क्या सीन है। तो अगर मुझे लग रहा ना यहाँ पर अलाउड नहीं होगा किसी का आने जाना, तो इन्होंने इसलिए गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। बेटा तू तेरी ऐसी की तैसी, एक खो मारूँगा गन एक बार चेंज करने दे। रुक रुक बेटा तेरी भैंस की टांग, यहाँ पर मैंने अपनी गन चेंज कर लिया है, निकल तेरी भैंस की टांग। और उधर ट्रैवर बजाने स्टार्ट कर दे बस, बेटा तू आप भी निकलो यहाँ से। भाई साहब जी हिटमैन बनना चाह रहे हैं। तो वैसे ये बंदा भी गया, ओके सब सबको निपटा दूँ आज। तेरी ऐसी तैसी निकल यहाँ से। ओ भाई साहब कितनी बुरी तरीके से गिरा है नीचे की तरफ। बेटा तेरी भैंस की टांग, इसका तो गंजे फाड़ दिया मैंने, आप भी निकलो। बेटा आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो उधर यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है, बेटा आप भी निकलो यहाँ से। ओ भाई कितना गंदा सीन है, मतलब कितना ज़्यादा खतरनाक है। बेटा क्या कर रहे हो आप यहाँ से, निकलो आप भी यहाँ से। ओके लगा सर इसको भी मैंने मार दिया। अब तुम्हारी ऐसी की तैसी सब मर हो जीता दिख रहे हो ना, तेरी ऐसी तू भी निकलो यहाँ से, और बेटा आप भी निकलो। ओ भाई साहब ये क्या सीन है, क्या भाई इतने बंदे आ कहाँ से रहे हैं। तो सर यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे बंदों को निपटा दिया है। अब तेरी भैंस की टांग भाई साहब बिल्कुल गाड़ी के सामने आ गए। रुक रुक इसकी ऐसी की तैसी, तेरे को तो भार के मारो, तेरी ये भैंस की टांग दूर हो पहले। तो भाई साहब बिल्कुल मत्थे के सामने आ गया, और ये जो गेट है ना ये खुलवाते हैं, और जल्दी से अंदर की तरफ तो आ चुका। ओ भाई साहब इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, आराम से आराम से आराम से। मुझे पक्का पता था यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत सीन होने वाला है। बेटा सब मारोगा जितने तुम दिख रहे हो ना, सब मारोगे। और जैसे इसे मैंने भर दिए, और भाई साहब कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। ओ भाई 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 कितना ज़्यादा खतरनाक सीन हो गया। बेटा आप भी निकलो यहाँ से, और एक बंदे ना तेरी ऐसी की तैसी। तो जैसे यहाँ पर मारते मारते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, और इधर आप लोग गाड़ियाँ देख पा रहे हो। भाई कितना ज़्यादा अमीर बंदा है ये। तो कहते मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यार इतना ज़्यादा अगर पैसा है ही इसके पास, ट्रैवल यार नीचे की तरफ गिर जाएगा। भाई ट्रैवल बिल्कुल जड़ पर पड़ा है, बिल्कुल किनारे पर खड़ा है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, अगर कैसे इतना अमीर बंदा ही है तो उसने $50 मिलियन के लिए मेरे पर अटैक क्यों करवाया, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके तो बेटा निकल यहाँ से, तेरी ऐसी की तैसी। बेटा उठने की जरूरत मत कर दियो। तो ये बंदा भी गया, ओके। तो कहते यहाँ पर मैं जल्दी से पहले तो ऊपर की तरफ निकलता हूँ, और यहाँ पर मेरे को ऊपर की तरफ है ना इनको ऑफिस दिख रहा है। तो कहते जल्दी से मैं ऊपर की तरफ निकलता हूँ यहाँ से, और एक दो बंदे ने और गोली चला रहे। बेटा किधर की तरफ है, सकल दिखा। तो भाई साहब जी कहाँ पर छुप रहा है। बेटा तेरी ऐसी की तैसी निकल यहाँ से, पीठ पीछे मतलब गोली चला रहा है। तो कहते अभी ना मैं जल्दी से ऊपर की तरफ चलता हूँ, और ये क्या लग रहा है मेरे को, ये है बना क्या रखा है इन्होंने। ओके तो जल्दी से ना मैं ऊपर की तरफ चल के देता हूँ, और देखते क्या सीन है। बाकी तो इसने अपना ऑफिस बना कैसे रखा, तुम्हारी भैंस टांग गेट खोलो इसको। ओके तो यहाँ पर तो अभी तक मेरे को कोई नहीं दिख रहा, और बाहर की तरफ मेरे को कुछ तो दिख रहा है। तो जल्दी से ना इसके मत्थे पे गोली मारूंगा। ओके तो भाई साहब, ओके तो सर यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, और भाई साहब ये तो सर ये बंदा जो है वो मेरे से बात करना चाह रहा, तो मैं इसे जल्दी से बात करता हूँ, और पूछता हूँ इसने मेरे पे क्यों अटैक कराया था, और इसको क्या चाहिए। तो सर इस बॉस की मेरे से बात हो चुकी है, और सर ये जो बॉस है ये बोल रहा है कि तुम अपना फ़ोन ईमेल चेक करो, और तुम्हारे पास ईमेल आई होगी। अभी जल्दी से मैं ईमेल चेक करता हूँ, और भाई साहब मेरे को नहीं पता चला क्या सीन है। ओ भाई साहब तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, भाई इसने जिमी को किडनैप करवा लिया। ओ भाई तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सीन हो गया, और ये क्या चल रहा है भाई। तो गाइस यहाँ पर जल्दी से मैं रखता हूँ, और मैं जल्दी से मैं इससे बात करता हूँ, अगर इसने जिमी को कुछ भी करा तो मैं इसके मत्थे पे गोली मार दूंगा। तो गाइस जल्दी से मैं यहाँ पर इससे बात करता हूँ। तो गाइस ये जो बॉस है ये बोल रहा है कि तुमने यहाँ पर मेरे काफ़ी ज़्यादा बॉडी गार्ड्स मतलब इसकी सिक्योरिटी को मारा है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आतंक मचा दिया है। और अगर ये बोल रहा है अगर तुमने अब एक भी गोली चलाई तो यार ये एक कॉल करेगा और तुम्हारा बेटा जिमी खत्म हो जाएगा। तो अगर ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ा सीन हो गया, और अगर इसने कैसे किडनैप कर लिया यार मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अगर ये जो बंदा ये मुझे लग रहा मेरे बारे में जानता होगा, मतलब माइकल के बारे में जानता होगा। अब यार मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
अब यार यहाँ तो यार लेसली बचा पाएगा। तो गाइस यार ये बंदा है ये बोल रहा है कि यार तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा, तभी यार वो जिमी को छोड़ेगा। और गाइस यार ये बोल रहा है कि अगर तुमने अभी एक भी गोली चलाई यहाँ पर तो वो एक कॉल करेगा और जिमी खत्म। भाई साहब यार कहाँ पर किडनैप करके रख रखा है। तो गाइस यार मैं चाहूँ तो इसको यहीं पर मत्थे पर गोली मार दूँ, लेकिन यार इसने ना मेरे यार जिमी को किडनैप कर रखा है। तो गाइस यार अब यार मेरे को समझना है कि क्या करना चाहिए। और वही गाइस जो ये काम बता रहा ना, तो गाइस यार वो जो काम है हमको करने पड़ेगा। अभी पहले तो मैं नीचे की तरफ निकलता हूँ। और मेरे नीचे का रास्ता किधर है भाई? ये तो गेट वेट ही पता नहीं अजीब अजीब से बना रखे हैं। तो गाइस यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यार इसका जो काम है वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब यार ट्रैवल पता नहीं किधर की तरफ है। और गाइस यार अपनी जो गाड़ी है वो ऊपर की तरफ ही खड़ी है। और गाइस यार अभी मेरे को ये भी नहीं पता कि यार वो जो काम है कैसा होने वाला है और गाइस यार किस टाइप का मेरे को काम देने वाला है। तो गाइस यार आप लोग देख पा रहे होगे इसके पास भाई यार प्लेन कितने सारे हैं, मतलब प्राइवेट जेट है अपना और पूरी गाड़ी। भाई सब कितना ज़्यादा बड़ा मतलब अमीर बंदा है ये। और यार इसके कंपैरिजन में तो यार हम कुछ भी नहीं है। और तो गाड़ी तो भाई साहब इसने ढेर लगा रखा है, मतलब कचरे की तरह गाड़ी खड़ी कर रखी है। और बीच में एक हेलीकॉप्टर भी है और यहाँ पर दो गोल्ड जेट भी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अमीर बंदा है। और जैसे अगर इसने जिमी को कुछ भी करा ना तो यहाँ पर मैं इसके मत्थे पे गोली मारने वाला हूँ। और ऊपर की तरफ आप लोग देख पा रहे होंगे इसके यार चेले चपाटे मेरे ऊपर ही एम करके बैठे हुए हैं। तो अभी जल्दी से मैं इससे पूछूंगा कि यार काम क्या है वो बता, और यार जल्दी से यार इसका वो काम करते हैं और जैसे अपने जो जिमी है उसको छुड़ा लेते हैं। तो यार अभी पता नहीं यार क्या सीन होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो गाइस आई थिंक आज की वीडियो के लिए बस इतना रखते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ उसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।